हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 19 अप्रैल, और सुबह के बज गए हैं 6:15, और हल्का हल्का दिन जो है वो निकल आया है। और अभी से अपना मॉर्निंग रूटीन में स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ एक अच्छा सा प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन में शेयर करने वाली हूँ, ताकि काफ़ी सारी बहुत कुछ जो है आपको, आप लोगों को सीखने को मिले, और बहुत कुछ चीज़ों में मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी का नाम है। ज़रूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हो। मैं तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे चाहे एक छोटे बच्चे से भी चीज़ें सीखने को मिले, तो मैं चीज़ें वहाँ से ग्रैब कर लेती हूँ, वहाँ से मैं चीज़ें जो है वो सीख लेती हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा चीज़ें जो है वो सीखते रहना चाहिए, हमेशा अपनी पढ़ाई जो है वो करती रहने चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो जी, अभी जो है सुबह के झटपट छोटा मोटा जो है वो जो किचन में थोड़ा बहुत फैला हुआ था, पानी वगैरह डालना था, वो मैंने डाल दिया है। वरुण को भी उठा दिया है मैंने। वरुण जो है पानी पीकर फ्रेशन अप होने गया है। और अभी यहाँ पर मैं बनाऊँगी आज आलू और बैंगन की सब्ज़ी, और थोड़ा सा ना आलू को और बैंगन को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी अगर मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, ना ही मुझे पसंद है वो, ना ही जो है वो बच्चों को पसंद है। इसीलिए थोड़ा सा जो है उसको मैं फ्राई करके जो बनाने वाली हूँ। और जब से गर्मियाँ आई हैं, मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है वो चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया है। सर्दियों में तो लेट नाइट लेट ही शुरू होता था और लेट ही जो है वो ख़त्म होता था, लेकिन अभी जो है गर्मियों में तो भाई 5, 5:30, 5:15 बजे जो है मॉर्निंग रूटीन शुरू हो जाता है। गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो गई है, सुबह 8 बजे तो इतनी चिलचिलाती धूप हो जाती है कि हम कोशिश करते हैं कि सुबह 8 बजे तक, 8 या 9 बजे तक हमारा काम सारा ख़त्म हो जाए, और नहा धो के हम आराम से जो है वो रिलैक्स करें। क्योंकि फिर वही होता है कि जैसे काम ख़त्म होता है, नहा धोकर पूजा पाठ करके थोड़ा बहुत ही टाइम जो है रेस्ट करने को मिलता है, फिर उसके बाद ये होता है कि बच्चे स्कूल से आएंगे तो उन्हें जो है लंच भी बनाना है उनके लिए। और इस बार क्या है कि हमारी लाइफ के साथ साथ, देखो हम औरतों की लाइफ में तो हमेशा चेंज, जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो ऐसे ही हमारी औरतों की लाइफ में जो है चेंज आते ही रहते हैं भाई मौसम के अनुसार। वो कैसे, गर्मियों में हम 5 बजे उठते हैं और सर्दियों में हम 7 बजे उठते हैं, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में स्कूल बहुत जल्दी होते हैं, सर्दियों में स्कूल बहुत लेट होते हैं। तो उसी सिचुएशन के अनुसार जो है हम अपना भी रूटीन जो है वो चेंज करते रहते हैं। और हमारे रूटीन के साथ पूरे 2 साल बाद बच्चों की लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज जो है वो आया है। अब बच्चों को स्कूल की आदत बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई थी कि उनको स्कूल भी जाना है, जल्दी उठना है, रेडी होना है, लेकिन अभी वो आदतें बच्चों को अपनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो ये पिछले 2 साल का जो दौर गया है कोरोना का, उसकी वजह से जो है बच्चे काफ़ी डीमोटिवेट हो गए हैं। घर पे रहकर जो है पढ़ाई करना भूल गए हैं। पहले जितनी लगन से बच्चे पढ़ाई करते थे ना, वो वाली चीज़ अब जो है वो ख़त्म हो गई है। तो जी बस अभी बातें करते करते तब तक जो है मेरे आलू भी जो है थोड़े बहुत फ्राई हो गए होंगे, और वरुण बाहर घूम रहे थे थोड़ी देर, और वरुण को भी मैंने बोला, छोटे मोटे काम जो है वो मैं अपने बच्चों को बताती रहती हूँ, खुद भी करती रहती हूँ, जो काम वरुण कर सकता है ना तो वो चीज़ मैं वरुण से ही करवाती हूँ। जैसे कल मैंने कपड़े धोए थे लेट नाइट तक, तो ड्रेस जो है ऊपर ही सूख रही थी, तो शाम रात को धोए थे, तो मैंने वरुण को बोला कि बेटा अपने लिए अपने शूज़ भी लेकर आओ, सॉक्स भी एक जोड़ी, ड्रेस भी लेकर आओ। तो वो चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वरुण कर लेता है। तो अभी जो है वरुण का लंच वगैरह मैं रेडी कर रही थी, साथ साथ में जो है हिमा के पापा भी सोकर उठ गए, उनकी बना रही हूँ चाय, टिफ़िन पैक हो गया है, और पानी की बॉटल में भी पानी डालना बाकी है, साथ साथ में जो है दूध का पतीला भी मैं जो वो खाली कर दूँगी। इस बीच मेरे काफ़ी सारे काम जो है वो हो चुके हैं, वरुण भी रेडी हो गया है, बस उसके शूज़ वगैरह पहनना बाकी है। और वरुण के शूज़ मेरे को हर तीसरे दिन, मैंने सोचा था वीक में एक बार धुलूँगी, लेकिन वीक में एक बार धोने से काम नहीं चल रहा, हर तीसरे दिन जो है शूज़ धोने पड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंदे जो हैं वो शूज़ हो जाते हैं, हद से ज़्यादा गंदे जो है वो हो जाते हैं। और गीला कपड़ा, सूखा कपड़ा मारने से कुछ नहीं होता है, वो गीला कपड़ा मारने ऊपर से ना थोड़ी थोड़ी तो वो चली जाती है, कि जो ऊपर से गंदगी होती है ना वो चली जाती है, लेकिन चमक जो है वो नहीं आती है, जो धोने के बाद चमक आती है वो नहीं आती है। मुझे पता है कि शूज़ अगर जल्दी जल्दी धोएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो है
चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा गंदा करके लेके आते हैं। और अभी मैंने जो आटे के ऊपर टावल रखा ना, ये छोटा सा, ये रोटी वाला टावल ही है जिसमें रोटियां मैं रखती हूँ, इसको मैंने गीला करके पानी को निचोड़ दिया है बिल्कुल। अब ये सिर्फ हल्का गीला है, इसमें कोई किसी तरह का कोई पानी नहीं है। अगर निचोड़ कर देखोगे, इसको आटे से मैंने ढक दिया है। अब इस आटे को ढके हुए चाहे मैं 2 घंटे भी छोड़ दूँ, इस आटे पर पपड़ी बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी आटा ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ये खट्टा नहीं होगा, कुछ भी असर नहीं जो है वो नहीं होने वाले। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आटे को बार बार फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, सुबह सुबह बच्चों का अलग टाइम होता है, हस्बैंड का अलग टाइम होता है, सबका अलग अलग टाइम होता है, स्कूल जाने का, ऑफिस वगैरह जाने का, ड्यूटीज़ जाने का, तो अलग अलग टाइम पर जो है रोटियाँ बनती हैं। ऐसा नहीं है सबका एक साथ बना कर रख दिया तो काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसे, सबका अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ता है। मान लो लंच एक साथ बना दिया, लेकिन सुबह कोई नाश्ता करके जाता है तो थोड़ा बहुत उसका जो है बनाने का टाइम जो है वो अलग होता है, सबका जाने का टाइम जो है वो अलग होता है, बस इसीलिए। तो अभी जो है वरुण हो गया रेडी, और वरुण को उसके जो है पापा छोड़ने के लिए चले गए हैं। और तब तक जो है मैं अपने बाकी के काम जो है सुबह सुबह निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं वरुण को छोड़ने जाती थी 7:10 से लेकर 7:30, क्यों जाना आना, 1-2 मिनट गाड़ी का भी वेट करना, ज़्यादा नहीं 1 या 2 मिनट होता था। और फिर आने के बाद इतना, क्योंकि सुबह से लगे हुए तो ये होता था कि 10-15 मिनट जो है आराम भी कर लो। तो अभी ये टाइम मेरा बहुत 3-4 दिन से टाइम बच रहा है, क्योंकि 3-4 दिन से जो है वरुण के पापा उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं, दोपहर को मैं लेने जाती हूँ। और इसी टाइम पीरियड में ये जो 15-20 मिनट का 25 मिनट का टाइम पीरियड होता है ना, इसी टाइम पीरियड में मैं काफ़ी सारे काम जो अपने ये निपटा रही हूँ। आप देख भी रहे हैं, सारा कमरा मैं क्लीन कर दूँगी, बिस्तर वगैरह मैंने लगा दिए हैं अलमारी में, जो चीज़ें जहाँ रखनी थी और जितना क्लीनिंग का करना है वो मैं कर दूँगी। क्योंकि वरुण का जो है, वरुण पिछले जिस स्कूल में था ना, वहाँ से वरुण का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आज मुझे वहाँ भी जाना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए। बस इस रूम को तो लगभग जो है मैंने निपटा दिया है, ये मैले कपड़े भी जो साथ साथ में मैं ऊपर मशीन में डालकर आ जाऊंगी। मशीन में मैं सारे मैले कपड़े इकट्ठे करती हूँ, धुलती हुई एक साथ ही हूँ। अभी तो मैं वीक में एक बार ही लगा रही थी, लेकिन मैंने सोचा है कि अब मैं वीक में 2 बार कोशिश करूँ तो मशीन लगाऊँ, क्योंकि मेरी हेल्थ भी इतनी सही नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है बहुत बार। तो मैं, क्योंकि एक वीक के पूरे कपड़े एक साथ धोने में काफ़ी टाइम जो है 2-2.5-3 घंटे निकल जाते हैं, और हर तीसरे दिन कपड़े धोएंगे तो इतना बर्डन भी नहीं पड़ने वाला है। तो अभी, और अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा तो हम औरतों को मिले कि हम आराम से जो है वो अपना थोड़ी सी नींद निकाल, थोड़ा सा रेस्ट कर पाए, अपने पैरों को रेस्ट मिल जाए, हाथों को रेस्ट मिल जाए आगे का काम करने के लिए। मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं प्रॉपर 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर लेती हूँ, काम छोड़ देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मान लो हम काम में लगे रहे, शरीर में इतनी थकावट हो गई, अगला काम करने की हिम्मत नहीं है, तो वो चीज़ें भी गलत हो जाती हैं फिर। तो अपने लिए जो है, पहले मैं ये चीज़ें करती थी, फिर मैं, मुझे टाइफाइड हुआ, विटामिन D3 की कमी, बहुत कुछ हो गया, तो उस चीज़ दौरान मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में आई, अपनी गलती मुझे समझ में आई कि औरत को दूसरों के साथ साथ जो है जितना हम दूसरों के लिए करते हैं, हम औरतें, तो अपने लिए भी थोड़ा बहुत जो है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो अपने लिए भी जो है वो करना चाहिए, अपने आप को पैम्पर करना चाहिए, अपने शरीर को भी रेस्ट देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम सुबह औरतें, हम क्या होता है, सुबह घर की कुंडी खोलने से लेकर रात को कुंडी बंद करने तक के बीच में जितने भी काम होते हैं, टोटली A to Z, चाहे कितने भी काम क्यों ना हो, सारे काम हम करते हैं। तो उस बीच में बहुत काम होते हैं भाई, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अगर कोई गिनती करने लगे तो कि हम गिनवा दें कि हाँ तुम सिर्फ इतना करती हो, हम बाहर ये करते हैं, नहीं, औरत की काम की गिनती कोई कर ही नहीं सकता। तो बस अभी ऊपर का मैंने निपटा दिया, जो कल ये कपड़े धोए थे, तो इन कपड़ों को मैं जो है अभी मैंने अंदर लगा दिया है, और रात को शाम को जब भी मेरे को टाइम लगेगा अंदर से मैं इसको उठा ले जाऊंगी। और बस अभी इसकी भी कुंडी लगा के हम चलेंगे नीचे। और हिमांग को मैं ज़बरदस्ती लेकर आई थी, वो आ ही नहीं रहा था, वो पानी में जो वो भीग रहा था। फिर यहाँ से बस रेडी होके अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि नीचे झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम मेरे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब नीचे जाके मुझे सिर्फ रेडी होना है, और रेडी होके अभी मैं बना रही हूँ बनाना शेक, खाना मैं आकर ही जो है वो खाने वाली हूँ। और क्योंकि जो है फिर अगर मैं खाना खाने बैठी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, और धूप जो है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जो मौसम चेंज हुआ है उससे रूटीन भी चेंज हुआ है। काम अगर मान लो हमारा छूट भी जाए तो हम आकर कर सकते हैं,
लेकिन बाहर धूप का काम जो है टाइम से ख़त्म हो जाए तो ही चीज़ें जो है सही होती हैं, ताकि हमारे जो है फेस को भी हमारी बॉडी को भी ज़्यादा गर्मी ना लगे। और अपने जहाँ बाहर जहाँ भी जाएँ एक पानी की बोतल ज़रूर साथ लेकर जाएँ, अगर आपके साथ चाहे बच्चा हो या ना हो। अपने लिए भी जो है वही कह रही हूँ, अपनी टेक केयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्यास हमें भी लगती है, तो एक ठंडे पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर कैरी करें। और बच्चा है तो बिल्कुल मस्ट है कि बिल्कुल भी नहीं भूलना है पानी की बोतल, तो बस अभी बैठकर जूस पियेंगे उसके बाद निकल जाएंगे बाहर। और काफ़ी सारे काम हैं जो आज हमें ख़त्म करने हैं, लेकिन अभी सुबह सुबह में एक दो काम ही हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और अभी हम जा रहे हैं वरुण के पिछले स्कूल में, जहाँ से मुझे स्कूल लिविंग लेना है। पिछले 15-20 दिन, एक महीने से 20 दिन से ये लोग ऐसे ही डिगा रहे हैं कि आज नहीं, साइट काम नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अभी स्कूल लिविंग लेके हम जा रहे हैं वापस घर। और एक छोटी सी क्लिप मैं शाम की इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी, काफ़ी सारे ग्रीनरी मैं आपको दिखाऊँगी। हम पौधे लेने गए थे, लेकिन गमले तो हमें पसंद आ गए, लेकिन पौधे जो हैं वो मुझे पसंद करने में थोड़ी सी वो दिक्कत सी हुई। तो हमने सोचा है कि एक बार फिर से जो हम विज़िट करेंगे तब जाके कहीं हम जो है वो डिसाइड करेंगे। सो गाइस, व्लॉग का एंड करते हैं। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मेरे स्क्रीन पर आ जाओ, मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।